तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आया रिगार्डिंग हाउ यू कैन सेंड आर्डिनो डेटा टू नोड एमसीयू एंड फ्रॉम नोड एमसीयू यू कैन सेंड टू थिंगस्पीक। मतलब हम लोग कैसे आर्डिनो डाटा को थिंगस्पीक को सेंड करेंगे यूजिंग नोड एमसीयू। आप ESP8266 यूज कर सकते हो, ESP32 यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे नोड एमसीयू यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा नोड एमसीयू सीरीज का 32 नंबर वीडियो आप देखे होंगे देन आपको पता होगा हाउ वी कैन सेंड आर्डिनो डेटा टू नोड एमसीयू यूजिंग सीरियल प्रोटोकॉल। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज सीरियल प्रोटोकॉल में डेटा सेंड करेंगे हमारे नोड एमसीयू को एंड फ्रॉम नोड एमसीयू विल सेंड दैट डेटा टू थिंगस्पीक। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे DHT11 सेंसर ले रहा हूँ। DHT11 सेंसर का डेटा मैं आर्डिनो में सेंड करूंगा, आर्डिनो का डेटा हम सेंड करेंगे नोड एमसीयू को और नोड एमसीयू का थिंगस्पीक को। ये वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब DHT11 से नोड एमसीयू, आर्डिनो, आर्डिनो से नोड एमसीयू, यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। नोड एमसीयू आज क्या करें, थिंगस्पीक को सेंड करेंगे। फिर भी मैं पूरा स्टार्टिंग से ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया देन मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं आर्डिनो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो आर्डिनो का आईडी ओपन कर लूंगा, एक है आर्डिनो के लिए, दूसरा है मेरा नोड एमसीयू के लिए, ठीक है, उसको सेव कर लूंगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, DST आर्डिनो थिंगस्पीक। हम लोग नोड एमसीयू के थ्रू क्यों डेटा सेंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई सर्वर को डेटा सेंड करने के लिए हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो इंटरनेट आइदर हम GSM मॉड्यूल यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू बेसिकली वाईफाई में कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके थ्रू उसको इंटरनेट मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग डेटा भी सेंड कर सकते हैं कोई भी सर्वर को। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है थिंगस्पीक है। अब अगर चाहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट या खुद का सर्वर में भी डेटा सेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग हमको क्या करना पड़ेगा, DHT11 का सारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो अगर आप DHT11 का प्रोग्राम आपको पता नहीं है देन जाके मेरा सीरीज देख सकते हो, मतलब मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, वहां से देख सकते हो हाउ वी कैन रीड DHT11 डेटा यूजिंग आर्डिनो। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा हच इंक्लूड DST.h, ठीक है। देन कौन सा पिन में कनेक्ट करूंगा वो इंटरफेस करना पड़ेगा, मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हच डिफाइन DST पिन, तो यहाँ पे मैं GPIO 2 को यूज करूंगा, आर्डिनो पिन नंबर 2 को, नहीं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ओके पिन, और मेरा DST टाइप क्या है, मैं यहाँ पे 11 यूज कर रहा हूँ, DST 11, तो इसलिए DST 11 लिखा। अगर आप DST 22 यूज करो तो DST 22 आप इजीली लिख सकते हो। तो DST, मैं एक DST का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैं पास कर लिया DST pin, DST टाइप, ठीक है। तो ये था बेसिक, हम लोग कैसे DST को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरियल में डेटा सेंड करेंगे, serial.begin। तो मैं बेसिकली 9600 में बॉड रेट सेट कर रहा हूँ। तो जब आप सीरियल प्रोटोकॉल में काम कर रहे हो ना, तो दोनों डिवाइस का बॉड रेट हमेशा सेम रहना चाहिए। तो 9600 हो गया, देन यहाँ पे DST.begin कर लिया, ठीक है। अभी DST कंप्लीट हो गया, अभी हम क्या करेंगे, void लूप में डेटा सेंड करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, फ्लोट टी एंड फ्लोट एच। तो टी में हम लोग क्या करेंगे, DST.readTemperature, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर को रीड कर लूंगा और उसको स्टोर कर लूंगा टी में, और एच में DST.readHumidity, तो ह्यूमिडिटी को स्टोर करके एच में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई डेटा नहीं है, इफ देर इज नो वैल्यू देन वो कंटिन्यूस लूप में चलता रहेगा। तो क्या लिखूंगा, इफ, ये प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इज नॉन टी और इज नॉन एच, तो अगर ये दोनों नॉन वैल्यू आ रहा है, नथिंग मतलब ब्लैंक आ रहा है, देन क्या करेगा, सीरियल डॉट प्रिंट नो डेटा अवेलेबल, ठीक है। देन उसके बाद रिटर्न कर लेगा। अगर रिटर्न चाहोगे तो रिटर्न नहीं भी कर सकते हो, तो निकाल देते हैं, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देन अभी क्या करेंगे, सीरियल में सेंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीरियल में प्रिंट करना पड़ेगा। सीरियल डॉट प्रिंट, उसके अंदर मैं सेंड करूँगा टेम्प, नहीं तो पूरा फुल टेम्परेचर भी सेंड कर सकता हूँ, टेम्परेचर, ठीक है। देन उसके अंदर क्या करूँगा, उसके नीचे यहाँ पे मैं टेम्परेचर का जो डेटा क्या आ रहा था मेरा, तो टेम्परेचर का डेटा टी है, तो टी में स्टोर कर लिया, ठीक है। सेम ह्यूमिडिटी के लिए कर लूँगा, और यहाँ पे एच, और लास्ट में सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, क्या
तो ये था बेसिक हम लोग कैसे सीरियल प्रोटोकॉल में हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर टी और ह्यूमिडिटी एच ये डाटा सेंड कर लेगा। तो अगर उसको टेस्ट करना है हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो को पहले कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्शन पहले कनेक्शन चलते हैं। तो ये मेरे पास आर्डिनो है, ठीक है आर्डिनो, और मेरे पास DST11 है। तो बहुत सिंपल कनेक्शन है। मैं कौन सा पिन में कनेक्ट किया हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो D2 में डिजिटल D2 में कनेक्ट किया हूँ, तो इसलिए मैं प्रोग्राम में भी सॉरी कनेक्शन में भी D2 में कनेक्ट कर लूँगा। तो VCC ग्राउंड और आउटपुट मतलब डेटा, तो VCC जाएगा मेरा आइधर 3 वोल्ट नहीं तो 5 वोल्ट में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं 3 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन ग्राउंड जाएगा ग्राउंड को एंड डेटा जाएगा मेरा D2 को। तो बेसिक कनेक्शन हो गया आप देख सकते हो। अभी प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और चेक करते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आर्डिनो में, ठीक है। तो पहले जाऊंगा मैं टूल्स, टूल्स में बोर्ड सिलेक्ट कर दूंगा। बोर्ड मेरा क्या है आर्डिनो उनो, देन टूल्स, टूल्स में बोर्ड सिलेक्ट कर लिया COM7, ठीक है। इसको मैं अभी काट देता हूँ, सेव हो गया। लेट्स अपलोड द कोड। ठीक है प्रोग्राम अपलोड हो गया। सीरियल मॉनिटर में अगर जाऊंगा यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों अभी मेरा प्रिंट हो रहा है, राइट। अभी क्या करेंगे और एक आर्डिनो ओपन कर लेंगे जिसके लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे हमारा नोड एमसीयू को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर लिया। यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और उसका वैल्यू आ रहा था और ह्यूमिडिटी उसका वैल्यू आ रहा था, मैं उसको निकाल दिया ओनली T, H, क्योंकि हम लोग उसको स्प्लिट करने में नोड एमसीयू में इजी होगा उसके लिए। हम लोग मैं बेसिकली ये किया। तो हम लोग क्या करेंगे एक नया ID बना लेंगे, ठीक है। नया आर्डिनो ओपन कर लेंगे क्योंकि सेम आर्डिनो में ओपन करोगे तो एट अ टाइम 2 प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा, तो एक ही अपलोड होगा। तो इसलिए मैं 2 कर लिया। तो यहाँ पे देखो एक आर्डिनो और यहाँ पे भी एक आर्डिनो। तो यहाँ पे क्या करूँगा प्रोग्राम करूँगा void setup, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या उसके बाहर क्या था void loop, ठीक है। मैं उसको डिलीट कर दिया था void loop, ठीक है। तो ये 2 है उसके अंदर हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे ना वो सीरियल प्रोटोकॉल में डेटा सेंड करेंगे, तो इसीलिए सीरियल डॉट बिगिन एंड यहाँ पे बॉड रेट। तो बॉड रेट मेरा क्या है 9600 में बोला था 2 डिवाइस का बॉड रेट हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी बॉड रेट सेट हो गया। अभी क्या करेंगे चेक करेंगे इफ कुछ डेटा अवेलेबल है कि नहीं। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0, अगर डेटा नॉल से ऊपर है देन वो क्या करेगा उसके अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो एक बार उसके अंदर चला गया तो क्या करेगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू क्या है सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे वो स्ट्रिंग डेटा है। यहाँ पे कैसे आ रहा है अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करूँगा, देखो क्या जा रहा है। तो ये मेरा टेम्परेचर देन कॉमा देन ह्यूमिडिटी जा रहा है, राइट। तो टेम्परेचर ये एक पर्टिकुलर हम लोग स्ट्रिंग में सेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा जा रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा सीरियल जो डेटा रीड करूँगा सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग अनटिल
अनटिल नेक्स्ट लाइन। तो जब तक नेक्स्ट लाइन नहीं आया है तब तक वो रीड करेगा और एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अगर उसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर मैं डेटा को प्रिंट कर लिया। तो पहले चेक करूंगा वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कनेक्शन करेंगे। तो ये वाला कनेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आर्डिनो का कनेक्शन। अभी क्या करेंगे, नोड एमसीयू का कनेक्शन करेंगे। तो नोड एमसीयू को और आर्डिनो कनेक्ट करने के लिए सीरियल प्रोटोकॉल में बहुत ईजी है। जैसे आर्डिनो में दो पिन होता है आर एक्स टी एक्स, सेम नोड एमसीयू में दो पिन होता है आर एक्स टी एक्स। तो आर्डिनो का आर एक्स नोड एमसीयू का टी एक्स में कनेक्ट कर लोगे, एंड आर्डिनो का टी एक्स नोड एमसीयू का आर एक्स में कनेक्ट करोगे। जब अब आप आर्डिनो से नोड एमसीयू को डेटा सेंड कर रहे हो तो बेसिकली क्या करेंगे, आर्डिनो का जो टी एक्स है वो सेंड करेगा आर एक्स को नोड एमसीयू का। तो आर्डिनो का टी एक्स और आर एक्स कनेक्ट कर लेंगे। जब नोड एमसीयू से आर्डिनो सेंड करोगे देन अल्टरनेट हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को ओनली क्या चाहिए, आर्डिनो का टी एक्स वो ट्रांसमिट करेगा और नोड एमसीयू का आर एक्स वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा टी एक्स है, तो टी एक्स में एक पिन कनेक्ट कर लिया और दूसरा पिन में ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया। अब जब भी प्रोग्राम करोगे ना, सीरियल प्रोटोकॉल में काम करोगे, तो हमेशा ग्राउंड को सीरियल प्रोटोकॉल हो या कोई भी कम्युनिकेशन हम करते हैं, या कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन गैप रहेगा या कुछ नॉइज आ जाएगा, तो डाटा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ग्राउंड का टर्मिनल भी ले लिया। तो ग्राउंड से मैं आर्डिनो नोड एमसीयू को ग्राउंड कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और नोड आर्डिनो का टी एक्स नोड एमसीयू को आर एक्स में कनेक्ट करूंगा। तो आर एक्स में कनेक्ट करने से पहले पहले आप लोग ये प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे। तो मैं जाऊंगा टूल्स, टूल्स में बोर्ड मेरा क्या है, कॉम्पोट 4 है और बोर्ड मेरा नोड एमसीयू सिलेक्टेड है। लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। प्रोग्राम अपलोड होने के बाद हम लोग, तो आर्डिनो का ऑलरेडी काम खत्म हो गया, ओनली हमको नोड एमसीयू के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम चल रहा है, हाँ डन। देन मैं अभी सीरियल मॉनिटर जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर क्लियर कर लूंगा देन टीएक्स को कनेक्ट कर लेंगे हम। अभी देखो, तो ये वाला जो COM4 है वो बेसिकली मेरा नोड एमसीयू है और ये वाला मेरा आर्डिनो का है। तो आर्डिनो का डेटा अभी यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अभी ये जो स्ट्रिंग है, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लेंगे। मैं यहाँ पे जानबूझकर एक कॉमा सेंड किया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो 0th इंडेक्स है, जो जितना भी सारे डाटा स्टार्ट हो रहा है, अगर वो कॉमा से मिल जाएगा देन वो उसको एज ए टेम्परेचर स्टोर कर लेगा, और कॉमा के बाद जो जितना भी सारे डेटा आ रहा है उसको एज ए ह्यूमिडिटी स्टोर कर लेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ओके, ये डेटा आ गया मुझे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर कॉमा, ठीक है, इक्वल टू क्या करूंगा, डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ, सॉरी कैपिटल ओ, इंडेक्स ऑफ, उसके अंदर क्या है, मेरा कॉमा है। तो अगर इंडेक्स ऑफ कॉमा मुझे मिल गया, जितने भी सपोज यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा सीरियल मॉनिटर पे, देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इंडेक्स मेरा 6 मिल जाएगा या 7 मिल जाएगा, जो भी है तो मुझे मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या करूंगा, इफ कॉमा नॉट इक्वल टू -1, अगर ब्लैंक नहीं है देन उसके अंदर जाएगा। अगर ब्लैंक है मतलब कुछ भी डेटा नहीं है, 0 होगा तो मैं भी कुछ इंडेक्स हो सकता है, अगर -1 आएगा तो कुछ भी इंडेक्स नहीं है। अगर वो आ रहा है देन हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे और एक बार वो प्रोग्राम को फिर चेक करेगा। अगर उसके अंदर चला गया, अगर डेटा आ रहा है -1 से ज्यादा है, देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी स्प्लिट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करूंगा, फ्लोट टी एक वेरिएबल ले लिया टेम्परेचर के लिए, सेम फ्लोट एच ले लिया ह्यूमिडिटी के लिए। तो यहां पे क्या करूंगा, डेटा डॉट
स्टॉप स्ट्रिंग जीरोथ इंडेक्स है मेरा जाएगा कहां पे कॉमा तक, कॉमा टू फ्लोट, ठीक है। सेम इम्यूडिटी के लिए क्या करेंगे, तो डेटा से रीड किया डेटा स्टॉप स्ट्रिंग, देन यहां पे क्या रहेगा कॉमा प्लस वन, उसके बाद जो डेटा आएगा उसको हम लोग सेंड कर लेंगे, ठीक है। देन अगर चाहेंगे तो उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट टी सेम सीरियल डॉट प्रिंट एच, प्रिंट एलएन कर रहा हूँ। और ओके तो ये हो गया, पहले हम लोग क्या करेंगे कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर है क्या, आई थिंक कुछ एरर नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। ओके तो ये आई थिंक स्मॉल हो गया, स्मॉल है स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। अपलोड करने से पहले आपको क्या करना है, आर एक्स टी एक्स अगर नोड एमसीयू का कनेक्टेड है उसको निकाल दो। तो अभी देख सकते हो मैं आर एक्स पिन निकाल दिया, वो एक पिन कनेक्टेड है जो ग्राउंड है मेरा, ठीक है। अभी इससे चलते हैं सीरियल मॉनिटर और आर एक्स को कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। अभी देख सकते हो एक में क्या हो रहा है, कमा आ रहा है, दूसरे में कमा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लिए हैं इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर डेटा और यहाँ पे ह्यूमिडिटी डेटा मिल गया। अभी क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो थिंग्सपीक को डेटा सेंड करेगा, राइट। तो चलते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये हमारा बेसिक था, हम लोग कैसे सिंपल आर्डिनो से नोड एमसीयू को डीएसटी 11 डेटा को सेंड कर सकें कर सकते हैं। पहले हम लोग रैंडम डेटा सेंड करते थे पिछले वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग डीएसटी 11 का डेटा सेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ और इसको मेन स्क्रीन कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम मॉडिफाई करेंगे। तो अगर आप लोग मेरा प्रोग्राम देखे होंगे जो थिंग्सपीक को हम लोग कैसे डेटा सेंड कर रहे हैं वो आपको पता होगा, नहीं तो आप लोग गिटहब जाके भी चेक कर सकते हो। तो अगर मैं जाऊंगा गिटहब नोड एमसीयू, देन यहाँ पे मेरा आ जाएगा थिंग्सपीक एलईडी, ये वाला है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पहले ESP8266 वाईफाई चाहिए, देन उसका क्लाइंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये वाला प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो मेरा अल्ट्रासोनिक थिंग्सपीक, ये वाला जो हम लोग अल्ट्रासोनिक का डेटा सेंड कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये कॉपी कर लेते हैं टिल यहाँ तक, ठीक है। तो आर्डिनो जेसन का डेटा हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ तक हमारा चला गया, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल सेट कर देते हैं। यूआरएल मेरा क्या है, ये है अभी फिलहाल के लिए, ये है, हम लोग चेंज कर लेंगे जब अकाउंट में सेट करेंगे तो, राइट। तो सीरियल बिगिन हो गया, वाईफाई को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला पूरा कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत सिंपल है, वाईफाई को पहले डिस्कनेक्ट किया अगर कहाँ पे कनेक्टेड है, देन स्टार्ट करूँगा, देन मेरा वाईफाई का एक्सेस दे दिया, देन यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। एक बार कनेक्ट हो गया तो लिख प्रिंट कर लेगा कनेक्टेड, ठीक है। और नीचे यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ तो एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, और वो जब हम डायरेक्ट वो फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे और वहाँ पे हम लोग डेटा पास कर लेंगे टी एंड एच को, राइट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे void send data, ठीक है, send data, सेंड डेटा एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे क्या, पहले वाईफाई और एचटीटीपी क्लाइंट दोनों क्रिएट करेंगे जो भी डेटा आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोट का डेटा पास करेंगे, फ्लोट एच कॉमा फ्लोट, सॉरी पहले टी जाएगा, देन हम लोग पहले टी, देन उसके बाद एच जाएगा, ठीक है। तो डेटा मिल जाएगा हमको, देन इसके अंदर क्या करेंगे, http begin http dot begin, ठीक है। http begin हम लोग क्या कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद न्यू URL देन रेस्पॉन्स डेटा गेट किया देन http end,
इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे क्या, तो न्यू यू आर एल इज इक्वल टू यू आर एल प्लस यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या करेंगे टी टी प्लस फील्ड वन और फील्ड टू दोनों रहेगा, एंड फील्ड कॉपी कर लिया इसको, ये मेरा टू है प्लस स्ट्रिंग ऑफ एच, ठीक है। ये था मेरा बेसिक, और इसके अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे सेंड डेटा टी कॉमा एच, ठीक है। उसको पहले कंपाइल कर लेते हैं thingspeak.com। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मेरा नोड एमसी का सीरीज में, अब जाके वहां पे पूरा का पूरा देख सकते हो हम लोग कैसे अकाउंट बनाते हैं, डेटा कैसे सेंड करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये मैं और एक बार नहीं बताऊंगा, ओनली मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू चैनल बना लूंगा, यहाँ पे दे दिया आर्डुइनो डेटा, दो फील्ड है, फील्ड वन मेरा टेम्परेचर और फील्ड टू मेरा ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ पे और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, सेव चैनल कर लिया, ठीक है। अभी मेरा देखो फील्ड वन फील्ड टू दोनों क्रिएट हो गया, एक है टेम्परेचर के लिए और एक ह्यूमिडिटी के लिए। अभी मैं जाऊँगा एपीआई कीज, एपीआई की में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा देखो मेरा एपीआई की एचटीटीपी गेट, अगर इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ये ऑलरेडी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। एंड जीरो एंड एफ आई एल डी फील्ड टू इक्वल टू 10, ये सपोज 12, तो अगर ओके कर लूँगा देखो वन गया। अभी यहाँ पे जाके प्राइवेट की मैं चेक करूँगा, प्राइवेट भी हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मुझे डेटा आ गया, एक 12 आ गया है, यहाँ पे एक नहीं आया है। ओके एंड एफ आई एल डी फील्ड टू एंड, ठीक है, तो ये 1 2 और इसको 10 कर लेंगे, तो रिफ्रेश, ओके फील्ड टू सॉरी सिंगल रहेगा, देखो यहाँ पे डेटा आ गया। तो ये मेरा मेथड है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कहाँ पे, आर्डिनो प्रोग्राम में अगर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फील्ड वन चला गया और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो फील्ड टू चला गया, ठीक है। ओनली हमको क्या करना है, ये एपीआई की इसको चेंज करना है, अगर इसको चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और एपीआई की से को टोटल कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू हो गया और ये एच टी टी पी में जाएगा, एच टी टी पी एस में नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चला गया प्रोग्राम, लेट्स अपलोड इट। अपलोड करना बहुत सेम, पहले पोर्ट को चूज कर लो देन अपलोड कर लो। अगर आर्डिनो में जाओगे देखो यहाँ पे अभी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रिंट कर रहा है। हाँ यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि एवरी 15 सेकेंड में हम लोग डेटा सेंड करेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। तो आर्डिनो में उसको चेंज कर लेंगे, पहले देखते हैं डेटा जा रहा है क्या, अगर डेटा जाएगा देन हम लोग उसको भी चेंज कर लेंगे। और मैं सीरियल यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन कर लिया,
देखो डाटा डाटा प्रिंट हो रहा है, देन जब कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखो कनेक्टेड, ठीक है। अभी कुछ डेटा नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे RX को कनेक्ट कर लेंगे। तो RX को मैं कनेक्ट कर लिया, अभी देखो देखो यहाँ पे 4 आया ना, 4 मतलब अभी देखो 28.80 और 59.0 आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे डेटा आ गया क्या। देखो यहाँ पे एक 4 आया, ठीक है, उसके बाद 0000 आ रहा है, देन 5 आया यहाँ पे देखो, ये वाला जो सिंगल सिंगल आ रहा है वो क्यों आ रहा है मैं बोलूंगा। यहाँ पे देखो 28.8 और यहाँ पे 58, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा थिंगस्पीक है वो एवरी 15 सेकंड में डेटा सेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रैंडमली अगर एवरी टाइम हम लोग डेटा सेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं जाएगा। तो वो ट्राई करता रहेगा जाने के लिए जाने के लिए, लेकिन नहीं जाएगा, रेस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो क्या हो रहा है, एवरी 15 सेकंड में अगर डेटा जाएगा तो देन होगा। और उस टाइम पे यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मेरा 28.80 यहाँ पे 58 है। देन मैं अभी ट्राई करूंगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है 61, 87 आ गया, पहले 58 था, अभी देखो 8 गया, ठीक है। तो अगर मैं सीरियल मॉनिटर यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे भी आ गया होगा, देखो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 95, तो 95 का अगर जो डेटा गया होगा उसलिए वो 95 आ रहा है। नेक्स्ट डेटा जब आएगा 30 डिग्री आ रहा है 9, ठीक है। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री तक, यहाँ पे भी 95 आ रहा है, ऐसे अब सेंड कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक, हम लोग कैसे आर्डिनो में DS11 कनेक्ट करके उसका डेटा को हम लोग सेंड कर सकते हैं थिंगस्पीक को थ्रू नोड एमसीयू। तो ये था बेसिक एग्जांपल, उसको लेके आप बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अगर इसी टाइप का आपको कंटेंट सीखना है और देखना है आप कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट लाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।